हेलो फ्रेंड्स, अज असी 41 सम स्टार्ट करते हैं। इस तो पहला असी 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जे तुसी वो नहीं देखे तो आई बटन ते क्लिक करके देख सकते हो। सो अज साडा 41 सम है, इहदी स्टेटमेंट है द जॉइन ऑफ माइनस 3 2 एंड 4 6 इज कट बाय द एक्सिस इन द रेशो। मतलब दो पॉइंट दिते हुए ने, उन्होंने एक्स एक्सिस कट करता पाया, पता करना भी जो एक्स एक्सिस कट करेगा इन्होंने दोनों पॉइंट्स में अगर मैं ज्वाइन करा एक्स एक्स किस रेशो च कट करेगा। मतलब तो मैं पता है अगर ए पॉइंट है माइनस 3 2, बी पॉइंट है 4 6, जो पी पॉइंट होएगा हो सकता इंटरनली हो सकता एक्सटरनली हो, कि होंगे मेरे को एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू, दूसरा है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, जो कि आपके को बेसिक फॉर्मूला 10th का। सो एम वन एम टू होंगी साढ़े को रेशो, वो रेशो मैं के रेशो 1 यूज़ करूँगा, ठीक है। सो साढ़े को जो पी के कोआर्डीनेट बन गए, वह बन गए के इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3 अपॉन के प्लस 1, ये बन जाएगा के इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1। देखो जो एक्स एक्सिस है आप उसकी रेशो फाइंड आउट करनी है ना, सानू पता एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होंगे गा वो साढ़े को हों वाई कोआर्डीनेट की होंगे 0। मतलब वो पॉइंट जो है एक्स कॉमा 0 होएगा, मतलब जो वाई कोआर्डीनेट होएगा 0, ये वाई कोआर्डीनेट 0 होएगा, मतलब 6k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 में मैं कि रख दूँगा 0 देखकर, तो इतों के की वैल्यू मेरे को आ जाएगी। सो के की वैल्यू मेरे को आ गई माइनस 1/3। मतलब जो रेशो आ नैगेटिव आ गई, अगर रेशो नैगेटिव आ जाए तो जो पॉइंट लाई करेगा वह एक्सटरनली लाई करेगा, किस रेशो से लाई करेगा 1:3 के एक्सटरनली करेगा, क्योंकि नैगेटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आया होंगे तो इंटरनली लाई करता। साडा जो आंसर है वह है डी आंसर। सो इस तो बाद साडा है 42 जो कि सर्कल नाल रिलेटेड है। सर्कल के 3 पॉइंट दिते हुए हैं तो कोआर्डीनेट फाइंड आउट करना सेंटर के की होंगे। सानू पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल की होंगी है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2fx प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो सेंटर होंगे वो मेरे को होंगे माइनस ऑफ एफ माइनस ऑफ जी। देखो मेरे को 3 पॉइंट दिते हुए हैं, अगर ये 3 पॉइंट सर्कल इन 3 पॉइंट्स बीच की पास करता तो इन्होंने सैटिस्फाई जरूर करेगा। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो इन मैं 0 0 ये पुट करा एक्स से वाई की जगह दे बन जो 0 + 0 + 0 + 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, तो यह बन जाएगा सी इज इक्वल टू 0। तो जो ओकेशन है मेरी वो बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2fx प्लस 2gx इज इक्वल टू 0, क्योंकि सी तो 0 हो गया। हुण सिमिलर सैकेंड पॉइंट आ जो ए 0, वह भी की है अपना सर्कल की सर्कल से लाई करता, सर्कल की ओकेशन सैटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है ए, वाई की वैल्यू 0 है, तो इतने पुट करूँगा ए स्केयर 0 2 FA, इतने वाई आएगा तो वाई की वैल्यू 0 है, 2g0 बन जाएगा, तो यह बन जाएगा ए स्केयर प्लस 2fA इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0 बन जाएगा। ए कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस 2f इक्वल टू की आ जाएगा 0। इतने दो कंडीशन हो गई, जो ए 0 होएगा या ए प्लस 2f0 होएगा। अगर मैं इन 0 रखा तो मेरे को जो एफ की वैल्यू है वह आ गई माइनस ए अपॉन 2। तो देखो सिमिलर मैं जी की वैल्यू कढ़ सकदा, अगर मैं दूसरा पॉइंट पुट करा 0, b ये पुट करा तो दूसरी वैल्यू जो जी की आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख दाँगा माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। मैं पता जो सेंटर होंगे वह माइनस ऑफ एफ तो माइनस ऑफ जी होंगे, तो इतने मैं पुट कर दाँगा तो यह बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि एफ की वैल्यू ए अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 है। सिमिलर माइनस ऑफ बी अपॉन 2, तो यह बन जाएगा ए अपॉन 2 बी अपॉन 2, जो कि साडा डी आंसर है, ठीक। तो सिंपल सम सीगा, सर्कल की इक्वेशन सानू याद होनी चाहिए है, सेंटर पता होना चाहिए कि होंगे माइनस एफ एंड जी, तो जो पॉइंट सर्कल के उत्ते लाई करते हैं पास करता जिन्हों के बच्ची सर्कल, तो उन्होंने उस वो पॉइंट ओकेशन तो सैटिस्फाई करेंगे, वो पॉइंट पुट करके जो कंडीशन बनेंगे उसी फाइंड आउट कर सकते। इस तो बाद साडा है 43 सम जो कि है मैट्रिक्स रिलेटड। इस दिता हुआ ए तो बी दो मैट्रिक्स ने 3x3 दे, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट जो है वह 0 देख ला। हूँ उन्हें पूछा भी ए 0 होएगा तो बी भी 0 होएगा, जा ए 0 होएगा जा बी 0 होएगा, जा डिटरमीनेट ए का तो बी का 0 होएगा, जा ए 0 होएगा ए का डिटरमीनेट 0 होएगा, जा बी का डिटरमीनेट 0 होएगा। तो इसमें असं किमें करा, पहला तो सानू यह गल समझनी चाहिए है भी अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाए
तां वो जरूरी नहीं हुंदा भी दोनों मैट्रिक्स जीरो होंगे। जिवें मैं एक एग्जाम्पल लवां, अगर ए नूं मैं 0 1 0 0 लै लां, बी नूं मैं 0 1 1 0 0 लै लां, तो मैं इन्हां दी अगर मल्टीप्लाई करा 0 1 0 0 1 0 0, इन्हां दी मल्टीप्लाई आ जाएगी मेरे को 0 0 0 0। देखो ए बी की मल्टीप्लाई की 0 मैट्रिक्स आ गया ना, तो ये ए 0 आ, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना, क्योंकि एटलीस्ट 1 एंट्री तो यदि नॉन जीरो, 0 मैट्रिक्स तो होंगे ना जिंदा सारिया एंट्री 0 हो, मैट्रिक्स 0 नहीं है, आ मैट्रिक्स 0 नहीं है। तो यदा मतलब यह है भी अगर प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स आँदी है तो यह जरूरी नहीं भी ए या बी चो एक 0 होएगा। तो इस ए जो ऑप्शन है तो कैंसल होगी, ए 0 बी 0 वाली, ठीक है। तो हम असं की करांगे, सानू पता है आप ट्रैक्ट करांगे समता इन्ना लेंथ नहीं, तो मैं वैसे एग्जाम्पल दी थानू भी किमें यह चीज़ होंगी है। तो देखो ए बी कि इक्वल है मेरे को 0 दे, अगर मैं डिटरमीनेट करा इसका तो 0 का डिटरमीनेट तो 0 होंगे, सानू पता ए बी का डिटरमीनेट आप लिख सकते डिटरमीनेट ऑफ ए डिटरमीनेट ऑफ बी। देखो ये भी कोई नंबर है, ये भी नंबर है, दो नंबरस 0 कदों होंगे ने जो उन्होंने घट्टो घट एक नंबर की हो 0 हो, डिटरमीनेट ऑफ ए 0 होएगा या डिटरमीनेट ऑफ बी 0 होएगा, मतलब जो डिटरमीनेट ऑफ ए 0 होएगा या डिटरमीनेट ऑफ बी 0 होएगा। तो एंड तो नहीं आएगा, एंड तो यह हो गया भी ए भी 0 होएगा, इन्हों के एक भी 0 होएगा तो भी 0 बन जाएगा, तो यदि ऑप्शन जो है डी होएगी, ठीक। तो इस तरह है सम, इस तो बाद 44 सम जो कि रिलेटड है वैक्टरस नाल। तो साढ़े को है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर द मैगनीट्यूड, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर द मैगनीट्यूड, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड स्केयरिंग कर दाँ तो यह बन जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर। डेंटिटीज यूज करा ए वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर, बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर प्लस 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, यह बन जाएगा ए वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर प्लस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ये कैंसल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 ए वैक्टर बी वैक्टर, इन इधरली साइड लेके जावे आप प्लस द 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ये बन जाएगा 4 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ये बन जाएगा अगों ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल टू 0। देखो इतने तीन कंडीशन पॉसीबल हो सकती ने, जब तो ए वैक्टर 0 होएगा जां बी वैक्टर 0 होएगा, जां अगर सानू पता दो वैक्टरस की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, दोनों वैक्टर एक दूजे के की होंगे ने परपेंडिकुलर, ए वैक्टर परपेंडिकुलर होएगा बी दे। पर अगर आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन दे विच पहली ऑप्शन है ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच, ए भी ऑप्शन सही लगती है, ए वैक्ट ए इज पैरल टू बी वैक्टर, पैरल तो उदो होंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट की होे को 0 हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो नहीं होएगी। तीसरी ऑप्शन है ए वैक्टर इक्वल टू 0, हाँ ए वैक्टर हो सकता है, बी वैक्टर भी 0 हो सकता है। देखो तिने कंडीशन ही लगभग सही बन दिया ने, पर ज़्यादा सही ऑप्शन ए आएगी, बेस्ट ऑप्शन ए आएगी, ठीक है। वैसे इन्होंने दिता होना चाहिए सगा ए वैक्टर बी वैक्टर नॉन 0, पर आप परपेंडिकुलर लवेंगे। इसमें एक होर मैथड नाल भी अगर आप समझ सकते हैं, अगर मैं ए वैक्टर एंड बी वैक्टर एडजेसेंट साइड्स लवा पैरलोग्राम दी, ए वैक्टर बी वैक्टर एडजेसेंट लवा पैरलोग्राम दी, तो मैं पता ए प्लस बी तो ए माइनस बी डायगनल होंगे ने, ठीक है। अगर किसी पैरलोग्राम के डायगनल इक्वल बन जाए तो वह की होंगे गा रिकटेंगल होंगे गा, ठीक है। तो रिकटेंगल का हर एक एंगल किन्ने डिग्री का होंगे 90 का, तो आ अगर ए वैक्टर है आ बी वैक्टर है तो ए वैक्टर बी वैक्टर एक दूजे के परपेंडिकुलर हो गए, पर पॉसीबल है अगर ए वैक्टर तो बी वैक्टर एडजेसेंट साइड्स हुई पैरलोग्राम दियाँ, तो इस तरह भी कंसैप्ट आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे बेस्ट ऑप्शन ए ही बनेगी, ठीक है। ये 45th सम है, ए अपने को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, असी डिटरमीनेट फाइंड आउट करना भी करना होएगा। वैसे तो यह डायरेक्ट रिजल्ट होंगे भी कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो डिटरमीनेट जाता होएगा 1 ते जा होएगा उदा माइनस 1, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमीनेट हमेशा 1 या माइनस 1 होंगे, जिहड़ा 1 होंगे जिहदा डिटरमीनेट 1 हो प्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जिहदा माइनस 1 हो प्रोपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बारे भी मैं थोड़ा दस दिना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिहदा ए ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स का ए ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर आ जाए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। तो इतों तुम एक गल होर भी नोट करो, ए ते बी अगर दो मैट्रिक्स ने, अगर उन्होंने प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो जो
ए इनवर्स होंगे वह बी के इक्वल होंगे क्योंकि इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ गई ना, मतलब एक दूजे के इनवर्स ने। तो इतने आप बोल सकते हैं जो ए का इनवर्स है वह कि इक्वल है ए ट्रांसपोज के, ठीक है। मतलब ये जो ए का इनवर्स होंगे वो ए ट्रांसपोज के बराबर होंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिद्धियां तुम याद रखो डिटरमिनेट या वन होएगा या माइनस वन, तो यह आंसर की होगा डी। इस तो बाद जो सा 46 सम है वह है 3x3 का साढ़े को मैट्रिक्स दिता होया, ए का डिटरमिनेट 4 है, वो एड जॉइंट का डिटरमिनेट फाइंड आउट करना। एड जॉइंट लिए सीधा डायरैक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, अगर कोई अपने को नॉन जीरो डिटरमिनेट है किसी मैट्रिक्स का तो वह एड जॉइंट का डिटरमिनेट असं फाइंड आउट करना, तो वह डायरैक्ट फॉर्मूला होंगे डिटरमिनेट ऑफ ए दी पावर एन माइनस वन, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिम्मे इतने ऑर्डर करना 3x3 तो एन की वैल्यू करनी होगी 3। तो एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट कि इक्वल आ जाएगा, ए का डिटरमिनेट करना 4 दी पावर एन माइनस वन मतलब 3 माइनस 1, तो आ जाएगी 4 दी पावर 2, 4 स्केयर मतलब 16। सो साडा आंसर की बन जाएगा डी। बड़ा आसान सम सी, बस डायरैक्ट थोड़े को फॉर्मूला अगर याद है तो सीधा डायरैक्ट हो जाता है। इस तो बाद 47 सम है, यह है रैंक नाल रिलेटेड। यूनिट वैक्टर का आप फाइंड आउट करना, 4 ऑर्डर का 4 मैट्रिक्स है, वह यूनिट मैट्रिक्स का जो रैंक है वह किन्ना होएगा। सानू पता है यूनिट मैट्रिक्स की होंगे, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए की होंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये साढ़े को है 4x4 की आइडेंटिटी है, यूनिट वैक्टर बोलते हैं जिन यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं सॉरी। तो यह रैंक फाइंड आउट करना, हम रैंक की होंगे, रैंक होंगे किसी मैट्रिक्स में जो असी रो एक्लन फॉर्म के लिख देने जिन्निया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ उस मैट्रिक्स दुनिया ने वो की होंगे साढ़े को रैंक होंगे, ठीक है। तो हूँ ये ऑलरेडी रो एक्लन फॉर्म के हैगी है क्योंकि वन के जो लीडिंग कॉफिशेंट है वो नीचे किनिया जीरोज़ ने 3, अगले किनिया जीरोज़ ने 2, इस तो बाद 1 मतलब घटते जा रहे हैं, तो ये रो एक्लन फॉर्म च ऑलरेडी है। तो इस दिया नॉन जीरो नंबर ऑफ रोज़ किनिया ने, चारे नंबर ऑफ चारे जो रोज़ ने वो नॉन जीरो ने ना, तो यह रैंक किन्ना आ गया अपने को 4। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक हमेशा उसके ऑर्डर के इक्वल ही होंगे, तो आप डायरैक्ट भी याद रख सकते हैं, साडा आंसर की आ गया सी। इस तो बाद साढ़े को 48 सम है, इस दे विच ट्रू स्टेटमेंट पूछी है भी ट्रू स्टेटमेंट केड़ी होएगी। असी 1 बाय 1 जो ऑप्शन चैक करांगे भी केड़ी ऑप्शन सही होएगी। पहली ऑप्शन है कोई ए मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 दिता होया, तो कोई रैंक बी मैट्रिक्स बी है उसका रैंक 3 दिता होया, असी फाइंड आउट करना उसकी प्रोडक्ट का रैंक। ये कहें भी अगर ए का रैंक 2 है बी का 3 है तो उसकी प्रोडक्ट का रैंक 6 होएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अगर ए मान लो 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, बी भी 3x3 का मैट्रिक्स है, उन्हों की प्रोडक्ट करा वो भी 3x3 का जो ऑर्डर होएगा, ठीक है। तो इसका रैंक की हो सकता है, रैंक की होंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एक्लन फॉर्म के, रोज किनिया ने 3, तो यह रैंक की हो सकता है, ज तो 3 होएगा या 2 होएगा या 1 होएगा, मतलब ए बी का रैंक 3 2 1 हो सकता है, 6 तो नहीं हो सकता ना, 6 तो पॉसीबल ही नहीं है, तो मैक्सीम रैंक 3 पॉसीबल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होएगी। जो बी ऑप्शन है यह है एवरी स्केयर मैट्रिक्स डज नॉट सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक ओकेशन, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यह कैले हैमिल्टन थ्योरम होंगी साढ़े को, जिसकी स्टेटमेंट यही होंगी है भी हर एक स्केयर मैट्रिक्स सैटिस्फाई करता अपनी करैक्टरिस्टिक ओकेशन, बट ये कह रहा डज नॉट, ये तो थ्योरम ने गलत साबित कर रहा ना, ये तो नहीं होएगी साढ़े को। जो सी ऑप्शन है यह है इफ लैमडा इज एन एगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर लैमडा एगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो 1 बाय लैमडा भी एगन वैल्यू होएगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि सानू पता है अगर लैमडा ए की एगन वैल्यू है, ठीक है, ए की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो 1 बाय लैमडा वो ए इनवर्स की एगन वैल्यू होएगी, ठीक है गल, क्योंकि अगर ए की एगन वैल्यू लैमडा होंगी तो 1 बाय लैमडा वो इनवर्स की उल्ट हो गया, इनवर्स हो गया। ए इनवर्स कि इक्वल होंगे ए दे एट दे ट्रांसपोज दे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे विच ए दा जो इनवर्स होंगे वो ट्रांसपोज दे इक्वल होंगे, तो 1 बाय लैमडा ए इनवर्स की थान पर मैं ए ट्रांसपोज लिख सकता। मैं पता आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स किदे इक्वल होंदिया ने आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज दी आइगन वैल्यूज कढ़ लो जे ए दी आइगन वैल्यूज कढ़ लो कि होंदे ने दोनों सेम, तो ए ट्रांसपोज की थान पर किवें लिख सकदा ए भी लिख सकदा, मतलब अगर लैमडा ए दी आइगन वैल्यू है तो 1 बाय लैमडा भी ए दी आइगन वैल्यू होएगी। तो यह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक रिजल्ट ही होंगे, अगर लैमडा कोई आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तो 1 बाय लैमडा भी वो आइगन वैल्यू
पक्की होएगी। ठीक है, तो सी अपने को आंसर है। तो डी भी डिस्कस कर लेने हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे उदियाँ आइगन वैल्यूज जिहड़ियां होंदियां ने जां तां जीरो होएगी जां प्योरली इमेजनरी होंदियां ने। ठीक है, सो डी साढ़े लिए गलत है। अगर एक रिजल्ट होर भी मैं नाल ही डिस्कस कर लेना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दियां जो आइगन वैल्यूज होंदियां ने, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दियां, मतलब जिहड़ियां एंट्रीज लैनियां ने वो रियल होनी चाहिए ने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सानू पता है अगर ए दा ट्रांसपोज ए दे इक्वल आ जाए तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दियां आइगन वैल्यूज आलवेज की होंदियां ने, आर आलवेज रियल होंदियां ने। ठीक है, तो ये साढ़े को एक इंपोर्टेंट रिजल्ट सी। इस तो बाद साढ़े को है 49th सम। 49th सम है, ये भी सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक नाल रिलेटेड है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वैल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो यह पता करना की होएगा। ठीक है, तो इस दे विच देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए दा ट्रांसपोज ए दे इक्वल होएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए दा ट्रांसपोज माइनस ए दे इक्वल होएगा। देखो ए ट्रांसपोज ए दे भी इक्वल है, ए ट्रांसपोज माइनस ए दे भी इक्वल है, इन्हां दोनों तो असीं की कह सकते हैं लैफ्ट हैंड साइड इक्वल ने तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होणगीआं। माइनस ए है तो इधरली साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यह मतलब टू ए इक्वल टू जीरो, मतलब ए इक्वल टू जीरो, मतलब जो ए मैट्रिक्स होएगा वो की होएगा जीरो होएगा। सो साड़ी बी ऑप्शन बनेगी। इस तो बाद 50th सम है लास्ट, ये बड़ा वधिया सम है। ये की दिता हुआ ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, मतलब ए बी की मल्टीप्लाई की ए बन गया, बी ए की मल्टीप्लाई की बी बन गया। असी फाइंड आउट करना बी स्क्वेयर की वैल्यू भी की होएगी। देखो बी स्क्वेयर है, स्क्वेयर है तो बी स्क्वेयर है तो बी नू दो टाइम दो बारी लिख सकता मैं बी इंटू बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कि इक्वल है, बी कि इक्वल बनता अपने को, बी की वैल्यू है मेरे को बी ए, क्योंकि बी अपने को दिता हुआ है ना, जो बी है वह बी ए इक्वल है, तो बी की जगह पर मैं बी ए लिखता। हूँ सानू पता मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं मैट्रिक्स जो होंगे ने, तो इसनों मैं क्योंकि जे ए बी सी हो तो इन मैं लिख सकता ए बी सी, एसोसिएटिव होंगे तो इन मैं लिख सकता बी इंटू ए बी। अगेन जो ए बी है ए बी की वैल्यू मेरे को करनी है ए, तो ए बी की जगह पर मैं ए लिख सकता, इन मैं बी ए लिख सकता। जो बी ए है बी ए अगेन वो किल है बी दे, तो बी स्केयर किल आ गया साढ़े को बी, जो ऑप्शन साड़ी डी है। तो एक बार इसमें दोबारे समझ लो, अगर नहीं पता लगे तो बी स्केयर आप बी इंटू बी लिख सकते हैं, बी की वैल्यू अपने को अगेन बी ए है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता, तो इन मैं इन्हों इकट्ठा करके लिख सकता। जो ए बी है वो अगेन ए दे इक्वल है, क्योंकि ए बी की इक्वल दिता हुआ ए दे, सो बी ए हो गया है, बी ए की इक्वल अगो बी दे, साड़ी डी ऑप्शन ठीक। इस तो बाद 50th सम साडा कंप्लीट हो गया। अज की वीडियो के असं इन्नी करा, अगली वीडियो देखने लिए साडे चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लो। थैंक यू।